गुड मॉर्निंग, मैं पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज है सैटरडे, धनतेरस। तो आप सबको धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह 6 बजे उठ गई थी, नहा के हो गया है मेरा। अब थोड़ा सा बाहर का मेन डोर का थोड़ा क्लीन करके फिर रंगोली निकालना है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और होप कि आप सबका भी दिन बहुत बहुत अच्छा जाए। जैसे ही सुबह होती है तो कुछ ना कुछ काम तो स्टार्ट ही हो जाते हैं। ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता है कि सुबह हो और काम शुरू ना हो। तो सबसे पहले तो बाहर का पहले क्लीन कर लूँ, फिर भगवान की पूजा भी करनी है, फिर उसके बाद नाश्ते का देखूँगी। चाय की बहुत ज़्यादा तलब लगी है क्योंकि आज थोड़ा जल्दी उठने को हो गया था। तो फिर सबसे पहले तो चाय बनती है, लेकिन जैसे त्यौहार है तो सबसे पहले मेन डोर का क्लीनिंग होना चाहिए। चलिए फिर अभी वो पहले कर देती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये कल की रंगोली है, दिए मैंने मॉर्निंग में लगा दिए थे जब मैं उठी थी। सोच रही हूँ कि ये जो पॉट्स है थोड़े उस साइड शिफ्ट कर दूँ। तो यहाँ पे मुझे रंगोली बनानी है, यहाँ पे बनानी थी, लेकिन ठीक है, हर साल मैं यहाँ बनाती हूँ तो सोचा कि यही बना दूँगी। चलिए लग जाते हैं काम पे। सबसे पहला और जो मेन काम रहता है दिवाली में मेरा, वो फिनिश कर लिया है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, मुझे रंगोली निकालना बहुत पसंद है। और अब मैं बनाती हूँ नाश्ता। तो मैंने जो ढोकला बनाने के लिए बैटर बनाया था उसमें मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है, और वो ऐसे प्लेट में डाल के अब इसको मैं स्टीम करके लेने वाली हूँ। तो आज मैंने इनो या सोडा का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसे ही प्लेन खाना था। और तड़का अभी इसके ऊपर बना के डाल दूँगी, और ये ढोकला मेरा रेडी है। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मुझे जाना है सोनार के पास। तो आज कुछ तो सोचा है, कुछ तो लूँगी करके। तो चलो आज धनतेरस है तो कुछ तो शॉपिंग बनती है। तो घर से तो मैं निकली थी खुद के लिए कुछ तो बनाने के लिए, लेकिन वहाँ जाके मुझे ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगा, तो ये मैंने चंदन के लिए परचेस किया है। और इसके बाद हम दोनों गए थे लंच करने, तो डोसा और पाव भाजी मंगाई थी लंच के लिए। और इसके बाद हमने खाया शाही फालूदा, लेकिन जैसे मुंबई में मिलता है वैसे पुणे में नहीं मिलता है। घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद काम पे लग जाओ। शाम के वक्त के दिए लगा लिए हैं और थोड़ा धूप भी जला लिया है। मेन डोर पे मैं रोज़ धूप जलाती हूँ। और भगवान की पूजा भी हो चुकी है, जो ब्रेसलेट लाया था उसको भी मैंने आज मंदिर में रखा है। और आज सूखी धनिया की भी पूजा की जाती है, तो वो जो धनिया के सीड्स है, कोरिएंडर सीड्स, उसकी पूजा की जाती है आज। और थोड़ा सा स्वीट। पूरा बालकनी क्लीन किया था जस्ट दिवाली के 2 दिन पहले। पता नहीं क्यों आजकल फोन पे कुछ इश्यू हो रहा है, जल्दी फोकस नहीं हो पाता है, ऐसे ब्लर हो जाता है। तो पूरे पॉट्स पूरे क्लीन करके लिए थे, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। अगेन ऐसे ही हुआ। और मेरा जेड का प्लांट भी काफी बढ़ चुका था, वो इसमें था छोटे से गमले में, इसमें काफी बढ़ चुका था, तो इसमें से मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ से थोड़ा सा तोड़ के इसमें लगा लिया। देखती हूँ ऐसे ग्रो होता है क्या। मैंने देखा है कि ऐसे ग्रो होता है, लेकिन मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और दो जो पॉट्स थे यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों में सदाफुली था। तो सदाफुली का एक सीन तो मैंने देखा है हमेशा, कि थोड़े दिन अच्छे चलते हैं वो, 5-6 महीने, अगेन फिर वो खराब हो जाता है, तो उसको निकाल के डालना पड़ता है। और ये कितने क्यूट लग रहे हैं बुद्धा, एकदम क्यूट लग रहे हैं। ऊपर के भी मैंने बहुत से झाड़ कम कर दिए, मतलब प्लांट्स छोटे छोटे थे और ख़राब हो गए थे, तो अभी थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ मैं लगा ही लूँगी। और ये भी कितना ब्यूटीफुल है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको बहुत सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स आते आजकल, दो सबसे, ये तीनों को भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वाला जो है प्लांट बहुत ज्यादा फ्लावर्स देते हैं, लेकिन शाम तक वो मतलब ऐसे मुरझा जाते हैं, फिर अगेन कल आएंगे। और ये एक है, कितने क्यूट है, दिवाली के कारण एकदम मस्त लग रहा है। थोड़ा टाइम यही बैठू अब मैं। छोटी सी मेरी तुलसी है, काफी सुंदर है ये तुलसी का पौधा मुझे, और ये जो पॉट है बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने मंदिर में रखा था, लेकिन किसी ने मुझे बोला कि ये तुलसी मंदिर में नहीं रखी जाती है, मतलब तुलसी का पौधा। पता नहीं कितना सही है गलत है, अगर आप किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। अगर होता है पॉसिबल, मतलब रख सकते, तो मैं फिर से रखूँगी।
तो खाने में आज मैंने बनाया है चना और आलू डाल के पुलाव टाइप कुछ बनाया है, और अभी मैं देखने वाली हूँ बिग बॉस। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और फिर एक बार आप सबको हैप्पी दिवाली।